हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आपके साथ 3 से 4 एयरड्रॉप शेयर करूंगी जहां पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि चारों के चारों एयरड्रॉप मस्त प्लेटफॉर्म से, मतलब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। और ये रैंडम यूजर के लिए है, ऑल यूजर के लिए नहीं है, और कुछ एयरड्रॉप यहाँ पर ऑल यूजर के लिए है, तो होप यहाँ से आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर करना टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखना, क्योंकि जो भी छोटी मोटी ऑफर लूट बग या कोई भी अपडेट आता है, छोटी मोटी एयरड्रॉप आता है, वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखना, तो लिंक की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर एयरड्रॉप आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो हॉटलिस्ट है ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो लीफ वॉलेट। तो इसका जो है एक एयरड्रॉप आया है, उसका मैं डिटेल दिखा देती हूँ, क्योंकि ये अभी मेननेट पे आ चुका है और इनका जो टेस्टनेट है वो रिसेंटली यहाँ पर ख़त्म हुआ है शायद, क्योंकि टेस्टनेट यूज़र के लिए यहाँ पर कुछ रिवार्ड नहीं था, इसलिए मैं टेस्टनेट को आपके साथ शेयर नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो मेननेट है वो यहाँ पर 14 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो भी आपका रिवार्ड मिलेगा वो वेस्टिंग होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। और यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है बहुत सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दे रखा है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फंड की ज़रूरत होगी, मतलब यहाँ पर आप जितने फंड यूज़ कर सकते, मतलब उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा फंड और जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपका रिवार्ड काउंट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्वैप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्टेकिंग करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबल होने के लिए यहाँ पर आपको स्टेकिंग करना होगा। उसके बाद यहाँ पर वैनिला स्टेकिंग एक है तो उसको भी करना होगा। और नॉट एलिजिबल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप अनस्टेक करते हो अपनी जो फंड को, या यहाँ पर अनडेलीगेट करते हो, रीडेलीगेट करते हो, तो यहाँ पर आप इनकी रिवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो पोस्ट की लिंक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी, ताकि आपको अच्छा सा समझ आए। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एंकर आपको डिपॉजिट करना होगा एलिजिबल के लिए आप, और नॉट एलिजिबल के लिए अगर आप यहाँ पर एंकर को विड्रॉल कर लेते हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें डिपॉजिट करना होगा। और यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोस भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्या करना होगा, ये भी बता रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर रिवार्ड कितना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो टोटल रिवार्ड पूल है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको कैसे, अगर आप पर डे कितना ट्रांजेक्शन करते हो और कितना फंड यूज़ करते हो, तो देखो यहाँ पर डे जो लिमिट है, यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन पर यूज़ कर सकते हैं पर डे, उसके लिए ही आप एलिजिबल रहोगे। उसके ज़्यादा करोगे या उसे कम करोगे, कम शायद चलेगा, अगर ज़्यादा करोगे शायद एलिजिबल ना हो। तो जितना दिया है आप ट्राई करना, उतना ही कर लेना, 2 से 5 यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर लेना पर डे। उसके साथ यहाँ पर रिवार्ड कैसे काउंट होगा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर एक यूजर यहाँ पर 5000 USDT डिपॉजिट करता है, साथ में 30 लूना यहाँ पर स्टेक करता है, इनका जो टोटल इसका जो है यहाँ पर फंड यूज़ हुआ है कितना, यहाँ पर 8K इसका टोटल फंड यहाँ पर यूज़ हुआ है, साथ में इसका 2 ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हो पर डे एक यूजर को ओनली 1K लीप टोकन ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और साथ में आप जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे तो एवरी 24 आवर पे आपका रिवार्ड आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी डे ये जो है अपडेट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या करना होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप जो है ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेना। और यहाँ पर आपका जो रिवार्ड है वो वेस्टिंग होगा डायरेक्ट, यहाँ पर जितना रिवार्ड आप विड्रॉल नहीं कर सकते, तो ये बात को याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आपको A120 लीप टोकन मिलता है, तो 3 मंथ के लिए यहाँ पर 60 लीप टोकन यहाँ पर वेस्टिंग होकर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक्सटेंशन का लिंक दे दूँगी, लिंक को कॉपी करना और अपनी कीबोर्ड ब्राउजर पर आ जाना, इसको सिंपल से यहाँ पर आपको वेस्ट कर देना है। तो जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर ऑटो क्रोम का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो क्रोम पर क्लिक करो और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, ओके कर दो और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर आपका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड हो जाने के बाद क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करो, वॉलेट नेम पासवर्ड री एंट्रो पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको रिकवरी फेस मिलता है, रिकवरी फेस को यहाँ पर कॉपी करो और टर्म एंड कंडीशन ओके करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दो। उसके बाद जो भी यहाँ पर 3rd वार्ड क्या था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और 12th वार्ड 6th वार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
तो जैसे ही यहाँ पर सबमिट करके यहाँ पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंड यहाँ पर ऐड कर लेना है। उससे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है ये टेस्टनेट है या मेननेट। तो अगर मेननेट है तो सही है, यहाँ पर अगर आपको टेस्टनेट सिलेक्ट रहेगा तो उसे आपको यहाँ पर मेननेट पर कर लेना है। तो करने के बाद यहाँ पर आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है और थोड़ा सा फंड यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो जैसे कर लोगे तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक एड्रेस सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जितने भी यहाँ पर मैंने इस टोकन पर क्लिक करके यहाँ पर जितने टोकन है उसे आपको ऑन कर लेना है। तो ये हो गया। तो जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर फंड ऐड कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्वैप का बटन मिलता है बीच में, तो यहाँ पर स्वैप वाले बटन पर क्लिक करो और जितने भी यहाँ पर आपको एक लूना ले लेना है, उसके बाद यहाँ पर उसे आपको स्वैप कर लेना है थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ पर आप स्वैप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेकिंग करना होगा। स्टेकिंग कहाँ से कर सकते हो, तो जैसे ही यहाँ पर डिपॉजिट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पर USDT आपको मिलेगा, बस USDT पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिट एंकर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिपॉजिट कर लेना है। तो जितना आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। डिपॉजिट पर क्लिक करो और यहाँ पर एक या दो USDT 5 USDT दे दो, उसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप डिपॉजिट कर लो। जैसे ये डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेकिंग करना होगा। तो जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लूना वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। जैसे यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर 3 से 4 स्टेकिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि लिक्विडिटी पूल हो गया, लिक्विडिटी स्टेकिंग, उसके बाद यहाँ पर पूल स्टेकिंग, उसके बाद वेनिला स्टेकिंग। ये तीनों को आपको यूज़ करना है। भले ही यहाँ पर आप थोड़ी बहुत फंड यूज़ करो, बस यूज ही करना है। यहाँ पर आप लिक्विडिटी स्टेकिंग पे आ जाओ, यहाँ पर जितना भी स्टेकिंग करना चाहते हो वो यहाँ पर आप स्टेक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर भी आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लूना डेलीगेट कर लेना। उसके बाद वेनिला स्टेकिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेक वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर कोई भी वैलिडेटर यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा फंड यहाँ पर आपको यूज़ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप दे दो, सॉरी मैं यहाँ पर दिखा दो 0.04 समथिंग का यहाँ पर आप लूना देके यहाँ पर आप स्टेक कर सकते हो। बस इतना ही करना होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंड आप यूज़ मत कर देना डेलीगेट वगैरह या स्टेकिंग वगैरह में, बस स्वैप पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो, स्वैप और डिपॉजिट पे। बाकी ये जो डेलीगेट वगैरह है वो आप थोड़ा बहुत करो तो सही है, बाकी आप देख लेना। और ये जो कैंपिंग है 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकंड एयर ड्रॉप है यहाँ पर पुसटा प्रोटोकॉल की तरफ से आ चुका है और इनकी जो इनवाइट कंपटीशन है वो डिस्कॉर्ड का लाइव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर इनका जो मीडियम पोस्ट है इसे आपको ओपन करना है और इनकी इवेंट कब से कब तक चलेगा ये सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेना। तो इनके जो टोटल रिवार्ड पूल है यहाँ पर देख सकते हो 8500 टाउ टोकन यहाँ पर दिया जाएगा, साथ में 100 OG रोल भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, टॉप 10 यूजर को यहाँ पर 200 टाउ टोकन साथ में OG रिवार्ड मिलेगा और 11th रैंक से लेके 50th रैंक तक जो आएंगे तो उनको 100 टाउ टोकन प्लस यहाँ पर OG रोल मिलेगा। साथ में 51th रैंक से लेके 100 रैंक तक जो आएंगे उनको यहाँ पर 50 टाउ टोकन साथ में OG रोल मिलेगा। तो इससे आपको ज्वाइन करना है और साथ में हो सके तो अपने फ्रेंड को रेफर करना है। और यहाँ पर मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगी, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये आपको डिस्कॉर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पर आके आपको वेरीफाई कर देना है। बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट है, फ्यूचर पे बहुत अच्छी खासी प्राइस इसका जा सकता है, बहुत ही मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, तो मिस मत करना इसे, मस्ट ज्वाइन कर लेना। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप की। तो थर्ड जो एयर ड्रॉप यहाँ पर आप देख सकते हो, किटी हारमोनियम लॉन्चर मेगा गिवे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिंपल टैक्स दिया जाता है, जैसे कि इनको ट्विटर पर फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, रीट्वीट करो वगैरह वगैरह, इसे आपको कर लेना है। और इनका रिवार्ड पूल क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका जो रिवार्ड पूल है यहाँ पर आप देख सकते हो, टॉप 5 का तो यहाँ पर आप छोड़ ही दो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 100 जो रैंडम यूजर रहेंगे उनको यहाँ पर 111 किटी टोकन मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रैंडम यूजर यहाँ पर रहेंगे तो उनको मिलेगा। तो मस्ट ट्राई कर लेना, बहुत ही यूनिक है और किसी को भी नहीं पता, यहाँ पर बहुत ही कम यूजर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो मे बी हम यहाँ पर कुछ अच्छा सा प्रॉफिट पा सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फोर्थ एयर ड्रॉप की। फोर्थ एयर ड्रॉप का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी और यहाँ पर एक अपडेट है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, पर BRE यहाँ पर LP एयर ड्रॉप कुछ आने वाला है। तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर LP देंगे उनको कुछ एयर ड्रॉप मिलेगा और एयर ड्रॉप पूल यहाँ पर आप देख सकते हो। और इवेंट कब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, 11th अप्रैल से लेके यहाँ पर 16th अप्रैल तक यहाँ पर इनका जो इवेंट है वो चलेगा। इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल से यहाँ पर हमें LP प्रोवाइड करना होगा और बस इतना ही करना होगा। LP प्रोवाइड करके यहाँ पर आप स्टे कर दो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है।
तो स्नैपशॉट इनका कम लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 UTC एवरीडे 9 UTC पे इनका जो है स्नैपशॉट लिया जाएगा। और साथ में देख सकते हो यहाँ पर रियर्ड पूल वगैरह कितना यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन है, यहाँ पर आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर आप LLP कैसे प्रोवाइड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके साथ यहाँ पर इनका जो इवेंट कब ख़त्म होगा और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 18 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल के अंदर यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अगर आप एक वैलिड यूजर रहे तो। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप आ जाइए अपनी सिपोल वॉलेट पे, तो इसे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डीएप वाले सेक्शन पे आ जाना है, उसके बाद फ्री वेरी का एक डीएप मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसे आपको ओपन कर लेना है और अपनी वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। तो ये हो चुका है वॉलेट कनेक्ट। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्टेक का ऑप्शन मिलता है, या तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना और फॉर्म वाले सेक्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको LP प्रोवाइड करना होता है, यहाँ पर दो पेयर मिलता है, एक BNB VRE, उसके बाद ETH VRE, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गेट LP का एक ऑप्शन मिलता है, और याद रखना है यहाँ पर आप जो LP दोगे यहाँ पर 3 LPT होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम नहीं होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी आप स्टेक करोगे या तो LP प्रोवाइड करोगे यहाँ पर 3 LPT से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बात को आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर LP प्रोवाइड करने के लिए गेट LPT पर क्लिक करना है, तो उसके बाद ये आपको नेक्स्ट फेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ब्रियो टोकन साथ में BNB होना चाहिए सेम क्वांटिटी का, तो यहाँ पर मैं 100 डाल देती हूँ। जैसे 100 डालोगे ऊपर भी यहाँ पर सेम क्वांटिटी का आपको पास BNB होना चाहिए, उसके बाद यहाँ चाहिए LP प्रोवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर आपका LP प्रोवाइड हो जाएगा तो उसे आके यहाँ पर आपको स्टेक कर देना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। और इनकी जो रिवार्ड पूल है इनके एयरड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। साथ में एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो बताया था यहाँ पर पैरोट्स NFT जो है उसे आपको मेंट करना है, और मेंट जो है 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा। अगर आप वेटलिस्टेड हो तो यहाँ पर 13 अप्रैल से लेकर यहाँ पर 14 अप्रैल तक आप इसे मेंट कर सकते हो। और इसका जो टोटल सप्लाई है जो मैंने पूछा था, टोटल सप्लाई इसका 10K है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर सप्लाई। साथ में इसका अभी के लिए कोई भी यूज केस नहीं है, फ्यूचर में यूज केस आएगा जिससे कि इनके एडमिन ने बताया, तो अगर चाहो तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर बताया गया अगर आप डायमंड और प्लैटिनम की पास होल्ड करते हो या स्टेक करते हो तो यहाँ पर आपका जो मिंट प्राइस रहेगा 5 TezosTokens रहेगा, और इस टाइम पे आपको मिंट करना है। अगर यहाँ पर आप डायमंड प्लैटिनम और गोल्ड पास को होल्ड करते हो और स्टेक करते हो तो मिंट प्राइस 7 TezosTokens रहेगा, और कल ये मिंट होगा रात को 9:30 के जाके। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप पब्लिक होल्ड लिस्ट हो तो यहाँ पर आपको 9 TezosTokens से मिंट करना होगा 15th पे, अगर कुछ बचता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो पब्लिक मिंट पे। अगर तो इस मिंट को मैं तो नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो अपने रिस्क से कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को अपने तरफ से लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।